हिमाचल शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये पूरा नाहन चल रहा है, जो नाहन लेक हिल स्टेशन है हिमाचल में आता है। नया नींद पूरी करके हट चुकी है अपनी, देख रहे हो इसकी चेहरा कैसा दिख रहा होगा आपको, सो के उठी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसी है अपनी एसएन फैमिली, होप करते बहुत ही अच्छी होंगी। आज हम अपने मदर इन लॉ के घर से हम ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली कल रात हम यहाँ आ गए थे, हमारा प्लान आज जाने का है जोटोली महादेव मंदिर जाने का है। जी हाँ, ये हिमाचल में पड़ता है, तो आज हम काफ़ी लंबा सफ़र करने वाले हैं। काफ़ी टाइम बाद उत्तराखंड से बाहर निकल के हिमाचल में जाने वाले हैं, तो हमारे साथ सिर्फ बच्चे आ रखे हैं। देखिए ये तैयार हो गए सुबह सुबह। हेलो गाइस, मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ, टाइम कितना हो रहा है ये देखिए, 7:16 हो रहा है, 7:15। तो हम 5:30 बजे से उठे पड़े हैं, बस नहाने के रेडी हो गए। सिर्फ मैं जा रहा हूँ, स्नेहा जा रही है और बच्चे जा रहे हैं और पापा जा रहे हैं प्रेमनगर से, बस बाकी लोग नहीं जा रहे। बाकी लोग आराम से सो रहे हैं बूढ़े बेच के, उनको उठने से कोई मतलब नहीं। बोला था जाने के लिए, कोई जा नहीं रहा। काजल इस बार नहीं जा रही क्योंकि उसे उल्टी होती, लंबा भी सफ़र है ना। मम्मी जा रही, मम्मी को भी सेम वही प्रॉब्लम है जैसे पापा जा रहे हैं हमारे साथ। तो बस हम यहाँ से निकल रहे हैं, वेंटोई लेके आए थे हम, आजकल वेंटोई चला रहे हैं। तो वेंटोई हमने वही सामने खड़ी करी हुई पार्क में, तो फटाफट चलते हैं यहाँ से और सीधा गाड़ी मिलता है आपको। चलिए फिर। ओके दोस्तों, हम सब आ गए गाड़ी में, साथ में हम देखो स्नेहा बैठी हुई है। हेलो गाइस, साथ पापा है पीछे और बच्चे हैं, इसने जैकेट पहन लिए निमृत ने अभी से, जैसे अभी से ठंड लगने लग गई है। रात भर गाड़ी ओस में खड़ी थी तो पूरा ओस जम गया शीशे पे। चलिए अब निकलते हैं यहाँ से, अभी तेल भी डलवाना है, उसके बाद सीधा निकलेंगे, फिर आपको नज़ारे दिखाएंगे रास्ते में अच्छे अच्छे। चलिए तो गाइस, अभी आए हैं हम तेल भरवाने पेट्रोल पंप पे, मैंने कहीं से रिफ्यूलिंग करवा लेते हैं, पता नहीं हिमाचल में क्या रेट चल रहा होगा, तो यहीं से करा लेते हैं। अराउंड 2000 का तेल डलवाने फिलहाल, बाकी देखेंगे कितना तेल लगता है। 2000 का कर दो क्या? तो यहाँ पर चल रहा है 90.17 लीटर चल रहा है जो डीजल का रेट है, और पेट्रोल का यहाँ पर 90.5.12 चल रहा है। बीच में तो 100 चला गया था, फिर भी अभी भी ठीक आ गया वापस नॉर्मल। तो हमने 2000 का तेल डलवाया, अभी देखते हैं आना जाना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बाकी कम पड़ेगा फिर डलवा लेंगे। दोस्तों टोटल 22 लीटर तेल आया है इसमें, तो देखते हैं कितने लीटर तेल लगता है। मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए, तो बाकी आप थोड़ा टाइम लैप्स इंजॉय कीजिए सुबह सुबह का कैसा है यहाँ का, मतलब अभी धूप निकली है, सूरज निकला ही है, सनराइज़ देखा आज बहुत प्यारा हमने सुबह, बहुत टाइम बाद अपने घर से ही वो भी सनसेट तो बहुत बार देखा है। चलिए फिर आप टाइम लैप्स इंजॉय कीजिए। काफ़ी टाइम तक वो बना रहता है पानी के अंडर, एकदम अंडरग्राउंड में जहाँ पे सनलाइट नहीं जाती, तो वहाँ उस वो एक ठोस वो बन जाता है धातु टाइप जिसे स्पस्तिक कहते हैं हम, तो उस चीज़ का पूरा वो शिवलिंग बना हुआ है। तो सब सुबह सुबह उस पर किरणें पड़ती है तो उससे एक अलग ही ऊर्जा निकलती है। इसका मानना है कि मतलब जो उसके आसपास बैठा होता है सुबह के टाइम पर, आरती के टाइम पर, पूजा के टाइम पर, उसकी बॉडी को बहुत अच्छी ऊर्जा मिलती है, काफ़ी सारी बीमारियाँ ठीक होती है उससे। और ये जो इसका फेमस इसलिए क्योंकि ये जो पूरा आर्किटेक्ट बना रखा है, इसका आर्किटेक्ट इतना खूबसूरत है, कहते हैं कि इसमें हाथ फेरो डमरू की आवाज़ आती है, तो आज हम ट्राई भी करेंगे। कहते हैं कि इसमें हल्का सा हाथ फेरो तो डमरू की आवाज़ आती है, शिव जी का डमरू बजता है। और ये जो द्रविड जो कास्ट थी हमारे पुराने टाइम पे, तो ये द्रविडियन स्टाइल में बना रखा है जैसे उस टाइम पे आर्किटेक्ट होते थे, तो काफ़ी अच्छा लगता है मतलब देखने में। आप अगर नेट पे भी सर्च करेंगे हालांकि उसकी ब्यूटी दिखेगी, ऐसा मतलब शिव जी का मंदिर ऐसा पूरे एशिया में कहीं नहीं है, एक अनोखा बना है। और ये 40 साल में बन के तैयार हुआ है, यहाँ से 40 साल पहले बनना शुरू हुआ था, तो अभी 2-3 साल ही हुए ऐसे स्टार्ट हुए हुए, तो अब 40 साल लगे इसे बनने में। बहुत अच्छा आर्किटेक्ट है। बाकी जो डमरू वगैरह है वो हम आज हाथ फेर के आपको दिखाएंगे, बल्कि आवाज़ भी सुनाएंगे जितना मतलब पॉसिबल हो सके। ऊपर से आज संडे, देखते हैं ज़रा रश ना हो बस, तो इसलिए आज संडे के चक्कर में, बच्चे वगैरह के चक्कर में हम संडे को आए नहीं, तो हमारा बीच में प्लान था। ये बच्चे वगैरह सब सो चुके हैं इस टाइम, ये भी
दर्शन वगैरह कर लेंगे। पापा का बड़ा मन था दर्शन करने का, पापा ही आए। मम्मी का ही मन था, मम्मी को थोड़ी उल्टी आती है इसलिए उनको थोड़ा प्रॉब्लम है, और लंबा सफ़र है 4-5 घंटे का, तो ज़्यादा लंबा सफ़र अवॉइड ही करती है मम्मी। तो चलिए फिर आपको चल के वहाँ दिखाते हैं, और बीच में जब भी वाटर साहब वगैरह पड़ेगा वो उससे नज़ारे वहाँ का जो डैम वगैरह सब दिखाएंगे आपको। चलिए गाइस, उत्तराखंड का बॉर्डर हमने छोड़ चुके हैं। ये देखिए सामने कितना प्यारा व्यू है, यहाँ तो पूरा घास घूस हुआ है, देख ही रहोगे आप सामने। इस टाइम यहाँ पे मैंने ब्लॉग भी दिखाया था जिसमें बोटिंग वगैरह हो रही थी, उस टाइम अभी आगे है थोड़ा सा, वहाँ पे बोटिंग वगैरह करते हैं। ये सामने डैम दिख रहा होगा आपको, डैम है सामने दोस्तों। यहाँ बहुत सारी बर्ड्स आती है, बहुत दूर दूर से बर्ड्स यहाँ पे आती है अलग अलग तरीके की, पानी में देख ही रहोगे आपको दिख रही होगी हल्की हल्की बर्ड्स वगैरह, यहाँ बहुत सारे बर्ड्स आती हैं, यहाँ बोटिंग वगैरह भी होती है सामने। तो ये पूरा डैम है, यहाँ पानी रोका हुआ है, पूरा डैम बना रखा है। सारा पानी यमुना नदी की तरफ से आता है, जो पोटा साहब से बहती है यमुना नदी। ये पूरा यमुना नदी का पानी है, यमुना कैनाल है पूरा, है पूरा आगे तक जा रहा है। शुरू हो जाएगा यहाँ से, हिमाचल शुरू हो चुका है, और एकदम लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो श्री गुरुद्वारा पोटा साहिब है। मैंने इसका ब्लॉग भी बना रखा है, अगर नहीं देखा आप जाके देखना ब्लॉग जरूर। पोटा साहिब गए थे हम, उसमें ब्लॉग बनाया था हमने, इतना प्यारा लग रहा सुबह सुबह। और नीचे बह रही है यमुना नदी जो और खतरनाक लग रही है। सुबह सुबह के टाइम पे काफ़ी लोग दिख रहे हैं नीचे मुझे, तो स्नान कर रहे हैं। दोस्तों हमने पर्ची कटवा ली है, 40 रुपये की पर्ची कटती है यहाँ पे, जो हिमाचल में एंटर करने के लिए कटती है। शिमला वाली रोड जा रही जो सीधा शिमला निकलेगी, और ये सामने एक खजूर का पेड़ दिख गया है हमें पहाड़ पे, एकदम तब प्यारा लग रहा है, देख ही रहोगे आप। स्नेहा नींद पूरी करके हट चुकी है अपनी, देख रहे हो इसकी चेहरा कैसा दिख रहा होगा आपको, ये सो के उठी है। मैं रात भर सोई नहीं, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी इस चक्कर में कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है, तो सोना तो था ही ना, नींद पूरी करनी है। नहीं सोई ना मैं, सुबह 4:30 बजे मुझे नींद आई और 6 बजे उठ गई फिर मैं। तो बस यहाँ से अभी 2.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है मैं पहुँचने के लिए, 2.5 घंटे और लगने वाले हैं, 12 बजे का टाइम दिखा रहा है पहुँचने का। पूरा नहान है ये मेन नहान की मार्केट, अभी तो शॉप्स खुली भी नहीं, सुबह सुबह का टाइम हो रहा है अभी, तो टाइम 7:15 ही हो रहे हैं, तो बाज़ार इतना खुला नहीं है, अभी सब पैक है, थोड़े सी का बेनिफिट मिल जाता है हमें, ट्रैफिक वगैरह नहीं मिलता, नहीं तो ट्रैफिक ही लगा रहता है। मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ नहान, पहले कभी आया नहीं मैं नहान। मैं आ चुकी हूँ। तुम तो आई ही होगी, तुम मैं शिमला गई हूँ तो नहान होकर। तो बस में गई हो ना रात रात में, तुम्हें कौन सा शहर दिखा था? बस में शहर नहीं दिखता, रात में। नहीं नहीं बस में कुछ दिखता नहीं है, पर मैं तो पहली बार आ रहा हूँ यहाँ, पर मैं आ चुकी हूँ गाइस, मुझे यहाँ के बारे में सब कुछ पता है। यहाँ पे भी काफ़ी गर्मी हो रही है वैसे, क्योंकि ज़्यादा हाइट पे नहीं है नहान, गर्मी लग रही है यहाँ तो, ठंडा मौसम है नहीं।
से डेढ़ घंटे का रास्ता रह गया जटोली महादेव का, उससे अभी और डेढ़ घंटे में पहुँच जाएंगे हम। तो अब मेरे पीछे नज़ारा देख रहे हो कितने बढ़िया नज़ारे हो रहे हैं इस टाइम, पूरे पहाड़ों पर खड़े हुए इस टाइम। अभी तो गाड़ी में ही सो रहे थे। कौन सो रहा था? आप। मैं थोड़ा, मैं तो गाड़ी चला रहा था, तुम लोग सो रहे थे। ये लोग वहाँ से सोते हुए आए बस। बाकी हम नज़ारे देखे कितने प्यारा लग रहा है नज़ारे पीछे। जो जटोली महादेव का ब्लॉग है वो अगले ब्लॉग में देखिए तो मिस मत करना, क्योंकि बहुत अच्छा होने वाला है ब्लॉग, मज़ा आने वाला है। ऐसा मंदिर देखने वाले हैं जो एशिया का सबसे हाईएस्ट मंदिर है, और जहाँ दीवार पे हाथ फिरने में डमरू आता है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आप बने रहे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना आप। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में फिर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी यहाँ तक देख लो, प्लीज़ लाइक कीजिए, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा हो उतना शेयर भी कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। और यहाँ देखिए पूरी रील बन रही है इस टाइम, ये गुन्नू यहाँ रील बना रही है, वो देखो पूरी नाचती फिर रही रोड पर। ठीक है फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।